हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। जैसलमेर में मटकी से पानी पीने पर दलित युवक पर फायरिंग, युवक को आई गहरी चोट। मैसूरी में आईटी यूनियन राजस्थान संघ की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सहायक ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। जोधपुर में डकैती की वारदात का अंतिम आरोपी भी गिरफ्तार, दलपत लंबे समय से चल रहा था फरार। और खबरें विस्तार से। जालौर जिले के सुराणा में दलित बालक के शिक्षक द्वारा पिटाई करने से मौत का मामला भी ठंडा ही नहीं हुआ कि जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के डीगा गांव में मंगलवार रात को एक दलित युवक पर जानलेवा हमला इसलिए किया कि उसने किराना दुकान के आगे रखी मटकी से पानी पी लिया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित करते हुए जान से मारने के उद्देश्य से हवाई फायर भी किया। आरोपियों ने युवक पर लाठियों और सरियों से हमला कर दिया, जिससे कान के पीछे शरीर में कई हिस्सों पर गहरी चोट आई। रात में एम्बुलेंस से उपचार के लिए मोहनगढ़ लाया गया। उपचार के दौरान डॉक्टर पवार ने थानाधिकारी भवानी सिंह को सूचना दी। इस पर हेड कांस्टेबल हरिराम जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घायल युवक के बयान लिए। इस संबंध में मोहनगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। कोलायत में हिंदी दिवस के अवसर पर मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कोलायत में हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल में हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया। विनोद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हिंदी दिवस पर वाद विवाद निबंध प्रतियोगिता हुई, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान रहने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। शर्मा ने बताया कि प्रथम बाबूलाल, द्वितीय मोहित जोशी, तृतीय मनीषा रही। साथ ही इसी मौके पर हिंदी दिवस के बारे में जानकारी भी दी गई। आज दिनांक 14 सितंबर 2022 को मॉडर्न इंग्लिश स्कूल परिसर में हिंदी दिवस मनाया गया। इसमें वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता हुई। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर मोहित जोशी रहे और द्वितीय स्थान पर बाबूलाल और तृतीय स्थान पर मनीषा रही। विद्यालय परिवार द्वारा उनको पारितोषिक वितरण किया गया। धन्यवाद। मकराना शहर में रेलवे स्टेशन पोस्ट ऑफिस के पास कचरे के ढेर है। वार्डवासियों ने निवेदन किया कि चिकन मांस की दुकान पर पाबंदी करें और कचरा पोस्ट ऑफिस के पास आकर ना डालें। इससे कचरे को नगर परिषद की गाड़ी में डालें। कचरा पोस्ट ऑफिस के पास डालने से वार्डवासियों को सभी को बीमारी का सामना करना पड़ेगा। इस कचरे की बदबू से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल सकती है। इस बीमारी से खासकर सबसे पहले बुखार होता है, उसके बाद सर्दी जुकाम होता है। वार्डवासियों ने अगर समस्या ऐसे रही तो आंदोलन की चेतावनी दी है। खंडवा से खबर, जहां कलेक्टर अनूप कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बैंकों द्वारा विविध राष्ट्रीय मापदंडों की पूर्ति के बारे में, जमा राशि, अग्रिम और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में दिया गया ऋण आदि के बारे में समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभ देने व पीएम स्वनिधि योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना व स्वयं सहायता समूह के लिए ऋण के लिए लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा भी की गई। देसूरी में राजस्थान आईटी यूनियन राजस्थान संघ की विभिन्न 7 सूत्रीय मांगों को देसूरी सभी सूचना सहायक ने संघ के आदेश पर उपखंड मुख्यालय पर आईटी कार्यालय में सभी ने काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए विरोध जताया। वहीं अपने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध जताते हुए बताया कि दशकों से व्याप्त वेतन विसंगति दूर कर सूचना सहायक पद की ग्रेड पे 3600 व सहायक प्रोग्रामर पद की ग्रेड पे 4200 की जाए। सूचना सहायक पद की पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए सहायक प्रोग्रामर व सूचना सहायक के पदों की संख्या 1.3 में की जाए व 1 वर्ष 1992 में चले आ रहे सूचना सहायक के कार्य विवरण को परिवर्तित किया जाए व सूचना सहायक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को स्नातक की जाए और सूचना सहायक पद का नाम परिवर्तन कर कनिष्ठ प्रोग्रामर किया जाए। देशभर में गायों में फैली लंपी बीमारी को लेकर आज कोलायत, झज्जू, देशनोक सहित आसपास के कस्बे के प्रतिष्ठान बंद रहे।
सुबह से दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान नहीं खोले और प्रदेश व्यापी आह्वान पर अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर गायों में फैल रही लंपी बीमारी को लेकर राज्य सरकार के प्रति आक्रोश जताया। बीमारी के नियंत्रण के प्रभावी व्यवस्था न होने से लोग नाराज दिखे। झज्जू के व्यापारियों व आमजन ने उपखंड अधिकारी को बीमारी से ग्रस्त गोवंश का इलाज करवाने व प्रभावी व्यवस्था करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पिछले दो दिन से सोशल साइट पर व्हाट्सएप फेसबुक पर जो मैसेज वायरल हो रहे हैं उनकी स्किन को लेकर, उसकी रोकथाम के लिए आज झज्जू बाजार बंद किया गया है और सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस लंपी रोग की समाधान जल्द से जल्द करें। लंपी स्किन बीमारी को लेकर के आज झज्जू व्यापार मंडल की ओर से झज्जू मार्केट बंद किया गया और साथ बंद करने के बाद में झज्जू के व्यापार मंडल की ओर से एसटीएम कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन किया गया और इस संबंध के अंदर ज्ञापन दिया गया और राजस्थान सरकार को चेताया गया कि जो टैक्स के नाम से जो गाय के जो 2812 और 8% जो टैक्स लेता है उसमें 3% गाय के नाम से जो टैक्स लिया जा रहा है उसमें हजारों करोड़ रुपए सरकार के गाय के टैक्स के नाम से बजट में उसके पास में अवेलेबल है। तो हम सरकार से पशुपालकों का ये डिमांड है कि वो राशि जिस पशुपालक के पशु की मौत हुई है उनको मुआवजे की तरफ और से भी दिया जाए। अगर सरकार ध्यान नहीं दिया तो व्यापार मंडल की ओर से और पशुपालन की ओर से आगामी और रणनीति पर उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है। आज लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम को लेकर जो राजस्थान में बंद का आह्वान किया गया है उसको लेकर कोलायत और झज्जू गांव का बाजार पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ग्रामीणों व व्यापारियों का कहना है कि राज्य सरकार लंपी स्किन बीमारी पर कोई ध्यान नहीं दे रही है जिसको लेकर हजारों व लाखों की संख्या में गायों की मौत हुई है। व्यापारियों ने आक्रोश जताया है और इस संबंध में झज्जू के व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कोलायत को ज्ञापन भी सौंपा है और कहा है कि जल्द से जल्द लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए दवा उपलब्ध करवाई जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन भी करने की। जोधपुर पुलिस कमिश्नर की शास्त्री नगर थाना पुलिस ने शास्त्री नगर इलाके में 8 से 10 महीने पूर्व हुई डकैती की वारदात का अंतिम आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी पर 5,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस कमिश्नर के टॉप 10 में शामिल था। कार्रवाई के बारे में बताते हुए शास्त्री नगर थानाधिकारी जोगेंद्र सिंह ने बताया कि महावीर कोठारी के घर पर लूट की वारदात हुई। डिलीवरी बॉय बनकर बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस वारदात में दलपत चौधरी को छोड़ सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। दलपत लंबे समय से फरार चल रहा था जिस पर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। सेक्टर ए शास्त्री नगर में महावीर कोठारी के घर पे करीब 8-10 महीने पहले डकैती हुई थी। 6-7 जनों ने शाम को करीब 8 बजे डिलीवरी बॉय बनके और उनके घर पे आ करके और गन से उनको धमका के और डकैती डाली थी, जिसमें उसी समय 15-20 दिन बाद में खुलासा हो गया था। पहले इसमें 5 मुलजिम अरेस्ट हुए थे, फिर एक बाबूलाल अरेस्ट हुआ था और एक मुलजिम इसमें जो मेन मुलजिम था जिसने गन से डराया था, दलपत चौधरी जो कि रोहट थाना क्षेत्र का रहने वाला था, वो बाकी चल रहा था इस मुकदमे में, जिस पे डीसीपी साहब वेस्ट द्वारा 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था और जिला लेवल के टॉप 10 अपराधियों में ये दलपत चयनित था। इस दलपत को हम गिरफ्तार करके और बापर्दा जैसी कराया गया है जिसकी कार्रवाई शिनाख भी करवाई जाएगी। इस डकैती के मुकदमे का ये अंतिम मुलजिम था जिसे अभी गिरफ्तार किया गया। साहब हमें हमारा घर वापिस दिलवा दो, यह गुहार लगा रहे 4 साल का राहुल व 5 साल की कमलेश 4 दिनों से मासूम अपने माता पिता के साथ धरने पर बैठे हैं। दरअसल रायशनगर में घर वापसी की बात जो रहे हैं, लेकिन गूंगी और बहरी हो चुकी राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्थाओं तक इन मासूमों की आवाज़ नहीं पहुंच रही। प्रशासन द्वारा आनन फानन में कार्रवाई कर मकान को सील करने की कार्रवाई तो कर एक पक्ष का धरना तो उठा दिया, लेकिन दूसरी तरफ गरीब का मकान सील कर मासूमों को बेघर कर दिया, जिसके चलते पीड़ित राकेश कुमार अपनी पत्नी इमरती देवी व 2 मासूम बच्चों के साथ रायशनगर के मिनी सचिवालय के समक्ष धरने पर बैठा है। मकान वापस दिलवाने की गुहार लगा रहा है, लेकिन पीड़ित परिवार की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ना कोई जनप्रतिनिधि पहुंच रहा और ना ही प्रशासन। मामला कुछ भी हो, लेकिन गरीब परिवार को न्याय देने की बजाय उसकी मजबूरी का सड़क पर तमाशा बनाया जा रहा है।
मैं 9 तारीख से यहाँ पर धरने पर बैठा हूँ और प्रशासन ने अभी तक कोई मेरी सूचना नहीं ली है, ना कोई यहाँ पर आया है मेरे पास। और आज से मेरा अनशन है अनिश्चितकालीन। अगर मेरी कोई प्रशासन ने सुनवाई नहीं करी, मुझे मेरा घर नहीं दिलाया वापिस, तो मैं यहाँ पर मर जाऊँगा, पर एक अन्न का दाना नहीं खाऊंगा। सूरतगढ़ पंचायत समिति में साधारण सभा की मीटिंग में ग्राम पंचायत सरदारगढ़ के सरपंच ने मुख्य समस्या को लेकर अवगत करवाया। गांव की मुख्य समस्या राजकीय पशु चिकित्सालय में रिक्त पद और उप स्वास्थ्य केंद्र में रिक्त पद और साथ ही प्रसव डिलीवरी गांव में ही करवाने के मुख्य रूप से बात रखी। चुनावों में किए गए वादों को पूरा करवाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे सरपंच ने गाँव में बिजली के खम्भों को बदलने के लिए भी प्रस्ताव दिया, जिसमें बिजली की घरों के ऊपर से गुजरने वाली तारों को हटाकर व्यवस्थित तरीके से लगाई जाए और कहा कि बिजली की तारें घरों के बिल्कुल पास में होकर गुजर रही है। आहोर से खबर, जहां हरजी में गायों में फैली लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए हरजी ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री के नाम विधायक राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा। विधानसभा क्षेत्र के गांव हरजी के ग्रामवासियों ने राजस्थान प्रदेश में गायों में फैली लंपी स्किन बीमारी को लेकर आहूर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन दिया है, जिसमें ज्ञापन में बताया कि पशुधन में लंपी स्किन वायरस ने महामारी का रूप धारण कर लिया, जिससे जिले में प्रतिदिन सैकड़ों गौवंश मर रहे हैं और बीमारी फैलने पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा, न ही राजस्थान सरकार द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जा रहा। अतः समस्त ग्रामवासी आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि राजस्थान में गौवंश में फैली लंपी स्किन की बीमारी की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान,